सो फ्रेंड्स नाउ वी आर स्टार्टिंग with द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ इन कॉपरेशन ऑफ अ कंपनी अब तक हमने क्या देखा नेचर देखा हमने क्या देखा टाइप्स देखा अब हमको क्या पढ़ना है दैट इज़ इन कॉपरेशन फ्लो समझते जाओ कि फ्लो हम किस प्रकार कर रहे हैं हमने क्या देखा कि मैम कंपनी मतलब क्या हमने ये सारे प्रोविजन पढ़ लिए। उसके बाद हमने देखा मैम कंपनी तो समझ गए क्या कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है वो समझ ली कि हाँ हाँ डिफरेंट टाइप्स होती है वो समझने के बाद अभी हमको क्या प्रोविजंस पढ़ना है मैम नाउ आई एम श्योर कि मुझे एक पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो अभी हमको लॉज रेगुलेशंस प्रोविजंस किन के रिलेटेड पढ़ने होंगे इनकॉपरेशन के रिलेटेड समझ में आ रहा है तो इन दिस यूनिट थ्री in this unit 3, we are going to study all the provisions, laws, rules, regulations related to incorporation of a company. now people understand. it is our intention. it is my intention, all in all, i can say. it is my intention that i want to incorporate a public company. i want to incorporate a public company. क्या मैं सिंगल पर्सन हो कर के पब्लिक कंपनी इनकॉपरेट कर सकती हूँ नहीं मैम हमने तो पढ़ा है जब भी आपने बाइफोकेशन पढ़ाया था तभी हमने पढ़ा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के लिए सात होने चाहिए आप तो हो एक आप तो इनकॉपरेट नहीं कर सकते बट दिमाग में तो ख्याल आया ना बट मेरे दिमाग में ख्याल तो आया ना ये जो पर्सन होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है टू अ कंपनी मीन्स द पर्सन हु हैज दैट आइडिया हु वॉन्ट्स टू अ कंपनी दैट द फाउंडर मेम्बर जिसको हम कहते हैं दैट पर्सन को लॉ में कहा जाता है प्रोमोटर ऑफ द कंपनी क्या कहा जाता है प्रोमोटर ऑफ द कंपनी नाउ आई हैव गॉट दैट आइडिया कि मे को के एस नाम की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी करनी है ना इनके लिए मुझे बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे एज इन मैं घर बैठे बैठे ऐसे सोच लूँ कि मुझे एक पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो क्या ओपन हो जाएगी मुझे एक पब्लिक कंपनी इनकॉपरेट हो करनी है क्या हो जाएगी नहीं इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा मैम इसके लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस मैं करना चाह रही हूँ मैं कंपनी ओपन करना चाह रही हूँ जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन दें ये पर्पस है मेरा तो उसके लिए एक फीजिबिलिटी स्टडी करनी होगी वॉट इज़ फीजिबिलिटी स्टडी कि कहाँ जा करके ये बिज़नेस अच्छे से सेटअप से होगा कौन सी प्लेस रेलिवेंट है कौन सी प्लेस इरेलीवेंट है कहाँ पे कौन से सेट ऑफ बिजनेस को मैं चला सकती हूँ कौन सा यूनिट नहीं चलेगा क्या पॉपुलेशन है वहाँ पे? क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज वहाँ पे लोग खरीदेंगे ये सारा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के पहले चेक करना पड़ेगा येस ऑ नो दैट मीन्स द मेजर टास्क ऑफ अ प्रमोटर इज डूइंग द फीजिबिलिटी स्टडी येस ऑ नो यस मैम उसके बाद उसके बाद मुझे मिनिमम सेवन मेंबर्स चाहिए होंगे क्यों मैम सेवन पब्लिक कंपनी इनको करनी है तो नेक्स्ट टास्क फॉर मी इज गैदरिंग लाइक माइंडेड पीपल्स जो yes, ये सबका ब्रेन यही कहता है कि हाँ, मैम ये बिजनेस चालू करना है जैसे कि आप आपको भी लॉ पढ़ाना है आपका लॉ इतना स्ट्रांग हो चुका है कि यू आर कमिंग टू मी एंड टेलिंग मैम मैं भी लॉ पढ़ाऊंगा नाउ यू एंड मी आर लाइक माइंडेड पीपल हम दोनों का इंटेंशन गोल ऑब्जेक्टिव सेम तो हियर आई हैव टू गैदर दोज पर्सन वो आर लाइक माइंडेड जो मेरे बिजनेस मतलब ये जो आइडिया मुझे आया है इनको प्रमोट आगे कर सके मिनिमम सेवन मैक्सिमम मिनिमम सेवन मेंबर्स चाहिए मैक्सिमम कितने चाहिए मैम अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी है करेक्ट नाउ हियर मैंने ऐसे सब कर लिया मैम लीगली कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है ये yes. लीगली मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा मैम डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन दैट आई हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आई हैव टू प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों चीज़ मीन्स मेमोरेंडम इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी कंपनी का नाम क्या है हमारे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है हमारी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है काम क्या करने वाली है अमाउंट सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी कितनी है एंड स्टफ मीन्स दिस विल बी रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ अ कंपनी समझ में आ रहा है नेक्स्टली आई हैव टू प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स में क्या लिखेंगे मैम मेमोरेंडम में ये सारी चीज़ें लिखी आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन इज अ रूल बुक इट इज़ अ रूल बुक यहाँ पर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन लिखूँगी कि बिजनेस किस तरीके से करना है मैंने कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट की है डायरेक्टर्स के पास कौन सी अथॉरिटी है इज दिस पार्ट डेलीगेटेड और नो ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हम कहाँ लिखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो ये सारा चीज़ फ्रेम करना होगा अंडरस्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमोटर की और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस yes. अगर मुझे पब्लिक इश्यू करना है तो पब्लिक इश्यू से रिलेटेड सारे काम भी मुझे देखने होंगे समझ में आ रहा है श्योरली समझ में आ रहा है पक्का श्योर आगे बढ़े तो ये तो सारी हो गई मेरी ड्यूटीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की येस मैडम आपको ऐसा ऐसा करना होगा बट इसमें अगर मैंने कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस किया तो मीन्स मैंने क्या सोचा कि मैं प्रोमोटर हूँ कंपनी की कंपनी इनकॉपरेट करने के बाद आई हैव अ मोटिव कि जो सारा प्रॉफिट हो ना वो मैं लेके जाऊँ तो मैंने कोई शायद ऐसी गलत क्लॉज डाले हैं मेरे मेमोरेंडम में या फिर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस किया है तो क्या मेरे अगेंस्ट में आपके पास कोई अधिकार है हमने कंपनी इनकॉपरेट कर ली एंड नाव यू फाउंड दैट द प्रमोटर हैज़ एक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली

रिवोक कर दिया जाएगा रिसेंड कर दिया जाएगा रिसेशन हो जाएगा मैम रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आ रहा है सी याद आ रहा है हमने वहाँ पढ़ा था नोवेशन रेमिशन रिसेशन अल्टरेशन सेम चीज़ है ये क्या बात की हम वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देंगे एज इन कैंसल कर देंगे क्या कर देंगे कैंसल कर देंगे सेकेंडली मुझे कहा जाता है लॉ कंपनी के पास इवन ये अधिकार है कि मैडम आपका जो रेम्यूनरेशन बन रहा था ना मींस कंपनी ने एक अमाउंट प्रॉमिस करके रखा था फॉर अ प्रमोटर कि ये सारे काम करेंगे ना तो प्रमोटर को इतना रेमिनरेशन मिलेगा रेमिनरेशन भी कैंसल किया जाएगा रेम्यनेशन भी कैंसल किया जाएगा मीन्स फर्स्टली मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो तो रेसिंग कर दिए जाएंगे मेरे को रेमूनरेशन भी नहीं मिलेगा मुझे रेम्यूनोरेशन भी नहीं मिलेगा सेकेंडली चेज कि अगर मैंने कोई सीक्रेटली प्रॉफिट गेन किया है मीन्स कंपनी को बिना बताए मैंने सीक्रेटली कोई प्रॉफिट इनकर या फिर प्रॉफिट रिसीव किया है तो कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू रिकवर टू रिकवर दैट सीक्रेटिव प्रॉफिट क्या बात की हमने कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मुझे सीकरेटिव प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी हैज़ अथॉरिटी टू रिकवर दैट प्रॉफिट फ्रॉम मी समझ में आ रहा है तीन रेमेडी पढ़ी हमने कौन सी पढ़ी रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी रिसीव्ड नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है दैट विल बी रिकवरी ऑफ सीक्रेटिव प्रॉफिट द लास्ट रेमेडी विद द कंपनी इज दैट द कंपनी कैन फाइल अट अगेंस्ट मी मुझ पर केस कर सकती है कंपनी समझ में आ रहा है तो चार रेमेडी हैं चार रेमेडी याद रहेगी रेमेडी का की कोड है आर थ्री एस आर थ्री एस आर वन स्टैंड्स फॉर रिसेशन आर टू स्टैंड फॉर रेमिनरेशन आर थ्री स्टैंड फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉफिट एंड एस स्टैंड फॉर फाइलिंग अ स्यूट समझ में आ रहा है पक्का शॉर्ट कॉपी द टेक्स्ट एंड देन हम आगे बढ़ के देखेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर हेलो माय डियर फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था मैडम हमने कंप्लीट किया था प्रमोटर तक मीन्स वी स्टार्टेड विथ आर इनकॉपरेशन ऑफ द कंपनी वाला पार्ट वो यूनिट स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने देखा था कि मिस प्रमोटर कौन होता है प्रमोटर की ड्यूटीज़ क्या होती है प्रमोटर ने कुछ गलत काम किया तो कंपनी के पास रेमेडी क्या होती है यहाँ तक हमने लेक्चर देखा था एंड वी वाउंड अप करेक्ट आज हमको क्या देखना है आज हमको देखना है कि मैम अगर हमको कंपनी इनकॉपरेट करनी है इफ वी वांट टू इनकॉपरेट आर कंपनी देन वॉट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वी हैव टू सबमिट

वो ऐसे ही तो नहीं दे देगा बोलेगा हाँ मैडम खुशबू मैम अगर आपको कंपनी इनकॉपरेट करनी है तो मैं ऐसे ही दे दूँगा ऐसे तो नहीं देंगे मुझे कुछ प्रूफ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे सबमिट तो करना पड़ेगा तो फर्स्ट पार्ट में हमको ये देखना है कि मैम ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें आर को देने होते हैं अंडरस्टैंडिंग मैम सेकेंड पार्ट क्या है फर्स्टली अगर हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिया सेकेंड पार्ट इज ऑफ प्रोसीजर वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर क्या क्या स्टेप्स हमको लेने हैं इन ऑर्डर टू इन कॉपरेट आर कंपनी अंडरस्टैंडिंग सो दिस इन कॉपरेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज ठीक है फर्स्ट वन इज वील सी वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड देन वील सी मैम वॉट इज द प्रोसीजर समझ में आ रहा है पक्का श्योर आगे बढ़े तो हम फर्स्ट पार्ट देखना स्टार्ट करें कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होते हैं चलो स्टार्ट करते हैं तो ओके टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स इफ हमें मीन्स आपको और मुझे हम सब इतने मेंबर्स हैं समझो दस मेंबर्स हैं हम हमें हमारी कंपनी फॉर्म करनी है हमें हमारी कंपनी इनकॉपरेट करनी है अगर कंपनी इनकॉपरेट करनी है दैट मीन्स अपने आप सोचने से कंपनी इनकॉपरेट हो जाएगी हमने सोचा कि आप और मैं और हम आठ जन मीन्स इन टोटल दस जन मिलकर के कंपनी इनकॉपरेट करना चाहते हैं क्या इनकॉपरेट करना चाहते हैं कंपनी कंपनी इनकॉपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा डॉक्यूमेंट्स पहले तो फ्रेम करने होंगे मैम मुझे याद आ रहा है सीपीटी में मैंने पढ़ा था क्या पार्टनरशिप होने के लिए पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है क्या बात की हमने डीड की जरूरत होती है वैसे ही कंपनी इनकॉपरेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें पहली बात तो देना पड़ेगा एम ओ ए एंड ए मैम एम ओ ए का मतलब एम ओ ए मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ए ओ ए मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैम ये दोनों प्रकार के जो हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो है क्या मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉपरेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है पूरा पूरा यही है एम क्या होता है ए क्या होता है कैसे बनाएंगे कैसे नहीं तो अभी फिलहाल इतना समझ लो एम ओ ए इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वहाँ पे मुझे सब कुछ लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि आफ्टर इनकोपरेटिंग अ कंपनी हम कौन सा काम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्या है लाइबिलिटीज़ क्या होगी हमारी कंपनी का नाम क्या है मीन्स ऐसे सारे क्लॉज हम लिखेंगे कहाँ पे एम ओ ए में समझ में आ रहा है मैम एम ओ ए तो समझ गया कि इम्पॉर्टेंट है कि हाँ हमें बताना पड़ेगा आर ओ सी को कि हमारे कंपनी को कौन सा नाम से रजिस्टर करनी है हमारे कंपनी में कौन सा काम चलने वाला है बट मैम वॉट इज़ ए ओ ए मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें हम लिखते हैं रूल्स रेगुलेशन कि ओके हमको ये काम करना है हमारा बिज़नेस क्या था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर सिंस बिगनिंग हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर हमारा बिजनेस था तो ये बिजनेस को हम किस तरीके से चलाने वाले हैं कुछ सेट ऑफ़ रूल्स होंगे रेगुलेशंस होंगे ये हमें कहाँ इंकॉपरेट करने हैं कहाँ लिखने हैं ए में लिखने हैं ये दोनों डीड तैयार करके हमें किन को देनी होती है आर ओ सी को देनी होती है क्वेश्चन होता है मैम कब देनी होती है होल्ड जब भी प्रोसीजर पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी कि कब सबमिट करनी है समझ में आ रहा है अब तो समझ लो कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हम तो पहला डॉक्यूमेंट इज एम ओ एंड ए सेकेंड डॉक्यूमेंट हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है दैट द चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग सी एस प्रैक्टिसिंग एल एल बी कोई भी इनमें से कोई भी प्रोफेशनल ये डिक्लेरेशन देगा क्या डिक्लेरेशन He'll state that all the requirements, all the requirements of Companies Act, of Companies Act are complied with. मैम ये declaration देने की क्या जरूरत है आर ओ सी को ये बताया जा रहा है कि जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने कहे थे कंपनीज एक्ट ने वो हमने फॉलो कर लिए हैं समझ में आ रहा है तो सेकेंड पॉइंट इज वी हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन इज गिवेन अंडर अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इट मस्ट बी साइंड बाई अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और अ प्रैक्टिसिंग एल एल बी इट्स टेट्स दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट आर कंप्लाइड विथ समझ में आ रहे हैं एम ओ ए डिक्लेरेशन थर्डली हमें फाइल करना होता है एक एफिडेविट मैम एफिडेविट क्यों एफिडेविट में हमें मीन्स वी बींग मेम्बर्स हम वी बीइंग मेम्बर्स हमको बातें बतानी होती आर ओ सी को आर ओ सी हमने ये सारे काम किए या फिर हमने ये सारे काम नहीं किए ऐसे एफिडेविट बनाएंगे और सिग्नेचर करेंगे क्या करेंगे सिग्नेचर मीन्स दैट इज़ अ प्रूफ हम आप मैं और ये जो आठ मेंबर्स हैं इन्होंने जो कंपनी फॉर्म करने की बात की है ना इसके लिए मेंबर्स ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है ऐसे लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे समझ में आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट लिसन वी हैव टू फाइल एन एफिडेविट ओके दैट एफिडेविट शुड स्टेट थ्री थिंग्स इट शुड स्टेट थ्री थिंग्स मैम विच थ्री थिंग्स फर्स्टली इट शुड स्टेट दैट द मेंबर्स मेंबर्स हैज नॉट बीन कन्विक्टड हैज नॉट बीन कन्विक्टड फॉर एनी ऑफेंस फॉर एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मैम ज़रा मतलब समझाइए समझो हम ये कह रहे हैं कि आर ओ सी वी बींग मेम्बर्स हमने ज़िंदगी में कभी भी प्रमोशन या कंपनी के फॉर्मेशन को लेकर के कभी कोई गलत काम नहीं किया है मैम ऐसा ऐसा एफिडेविट क्यों देना है समझो अगर हमने पहले कभी प्रमोशन या कंपनी को फ्लोट करने के बाद कुछ गलत काम किया होता तो क्या कंपनी हमें फिर से रजिस्टर करती हमें यह कहती ओके ठीक है आपने एक बार गलत काम कर दिया ये लो दूसरा सर्टिफिकेट फिर से गलत काम करो ऐसा करती ऐसा आर हमें सर्टिफिकेट देती सोचा नहीं देती स्टेटिंग दैट कि वंस इफ वी हैव डन एनी रॉन्ग फ्रॉड ऐसे एक्ट किए हैं तो आर ओ सी हमें कहती है कि वंस इफ़ यू हैव डन एनी थिंग रॉन्ग एनी थिंग फ्रॉड्युलेंट विथ रिलेशन टू फॉर्मेशन एंड इनकॉपरेशन ऑफ द कंपनी ना यू वोंट बी गेटिंग अ न्यू इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट समझ में आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताना है कि वी हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग विथ रिलेशन टू फॉर्मेशन एंड इनकॉपरेशन ऑफ अ कंपनी सेकेंडली वी हैव टू स्टेट दैट द मेम्बर्स मीन्स वी हैव नेवर बीन फाउंड गिल्टी वी हैव नेवर बीन फाउंड गिल्टी फॉर फ्रॉड मिसफ फ्रॉड मिसफेन्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रॉड मिसफेन्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हमें ये बताना है कि आर ओ सी लिसिन हम जो सारे मेम्बर्स हैं ना मेम्बर्स हमने कभी फ्रॉड नहीं किया हमने कभी मिसफियांस नहीं किया हमने कभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ब्रीच नहीं किया अगर ऐसा हुआ है हमें ये साइन करने देना पड़ता है अगर ऐसा है तो आर ओ सी कहेंगे कि ठीक है नाव यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट अ इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मैम बट क्वेश्चन ये उठता है क्या ये ब्रीच मिसफियांस और फ्रॉड लाइफ टाइम से नहीं किया लॉ कहता है प्रीसीडिंग फाइव इयर्स में नहीं किया समझो दिस इज ईयर 2017 थाउजेंड सेवनटीन विच ईयर इज इज दिस इज ईयर टू थाउजेंड अगर दिस इज ईयर टू थाउजेंड मुझे ये डिक्लेरेशन मुझे ये एफिडेविट देना है कि मैंने दो हजार बारह से लेकर के दो हजार सत्रह तक पांच साल हो गए मैंने 2012 से लेकर के 2017 तक कभी भी फ्रॉड मिसफायंस या फिर ब्रीच वाले एक्ट नहीं के मीन्स आई हैव नेवर बीन फाउंड गिल्टी ऑफ दिस रीजन समझ में आ रहा है मीन्स ये जो सेकेंड पॉइंट है ना सेकेंड पॉइंट यहाँ पे टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है प्रीसीडिंग फाइव ईयर्स क्या इनकोपरेशन और फॉर्मेशन के लिए फाइव ईयर्स प्रिस्क्राइब थे नहीं दैट मीन्स लॉजिकली समझते एक्ट क्या कहना चाह रहा है हमें एक्ट ये कहना चाह रहा है प्रमोशन और फॉर्मेशन वाली एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ टाइम मैंने कुछ गलत नहीं किया ठीक है अगर एक बार गलती कर दी मैंने अब आर हमें यह कहेगा कि मैडम देखो आपने एक बार गलती कर दी अभी मैं बार बार आपको गलती करने के लिए इनकोऑपरेशन सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता ना समझ में आ रहा है बट मैंने ना कुछ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया था मैंने आठ साल पहले कुछ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था या मिस फैंस वगैरह कुछ तो किया था ठीक है आठ साल पहले अब मैं आर के पास जा रही हूँ और मैं आर को कह रही हूँ आर हम दस मेंबर्स को ना कंपनी फॉर्म करनी है क्या फॉर्म करनी है कंपनी फॉर्म करनी है अगर हम दस जनों को कंपनी फॉर्म करनी है नाव आर ओ सी विल नॉट टेल मी के मैम आपने आठ साल पहले गलत काम किया था अब मैं नहीं दूंगा अरे भैया आठ साल पहले किया था अब चांसेस है मैं सुधर गई हूँ अब नहीं करूँगी ऐसी गलत काम सच्ची मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी दैट मीन्स फाइव ईयर्स के दरमियान अगर मैंने ऐसे कोई एक्ट किया है ना तो मुझे लॉ कहेगा कि वेट फाइव ईयर्स का टाइम देता हूँ आप सुधर जाओ फाइव ईयर्स के बाद आपको इनकॉपरेट करना है कंपनी देन इट इज़ फाइन अंडरस्टैंडिंग ये दीज टू पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पार्ट में इट वॉज थ्रू आउट द लाइफ टाइम गलत काम नहीं किया और सेकेंड पॉइंट में इट इज़ प्रिसीडिंग फाइव ईयर्स समझ में आ रहे हैं पक्का श्योर थर्ड थिंग जो हमें एफिडेविट में बतानी होती है दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट एंड ट्रू मीन्स हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ना आर आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सारी बातें सही ली गई है सही बताई गई है समझ में आ रहा है अब तक हमने क्या देखा हमने देखा मैम हमको एम ओ फाइल करना होता है हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एट आर कंप्लाइड विथ थर्डली हमें क्या देना होता है हमें एक एफिडेविट देना होता है विच इज टू बी साइंड बाय ऑल द मेम्बर्स या फिर सब्सक्राइबर ऑफ एम ठीक है साइंड बाय ऑल द मेम्बर्स इसमें क्या चीज़ बताई है यहाँ पे तीन चीज़ें बताई है AOA में हमें तीन चीज़ स्टेट करनी है

थर्ड पॉइंट में एफिडेविट में बतानी होती है दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रू आर करेक्ट समझ में आ रहा है नेक्स्ट हमें क्या बताना होता है नेक्स्ट हमें आर के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है फॉर करस्पोंडेंस वॉट इज करस्पोंडेंस कम्युनिकेशन आर को मेरे साथ कुछ भी वार्तालाप करना है कम्युनिकेट करना है करस्पोंडेंस करना है तो वो कहाँ करेंगे कुछ एड्रेस तो देना होगा ना अगर आपको मुझसे बात करनी है हेलो खुशबू मिस मुझे ना ये पॉइंट में क्वेरी है कैसे करोगे फ़ोन लगाओगे करेक्ट है पक्का श्योर फ़ोन लगाओगे मैंने ई एड्रेस दिया है ई एड्रेस पर साइन कर ई एड्रेस पर मेल सेंड करोगे वैसे ही अगर आर को कंपनी के साथ कुछ करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन कहाँ करेंगे पोस्टल एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होता है ठीक है अंडरस्टैंडिंग बट इफ़ द ऑफिस इज नॉट येट रजिस्टर्ड इफ द ऑफिस इज नॉट येट रजिस्टर्ड तो मुझे एक ऐसा एड्रेस देना पड़ता है कि मैम अब तक ना हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी तो इनकॉपरेशन के प्रोसेस में है ना कंपनी तो फॉर्मेट हुई नहीं है दैट मीन्स ऑफिस रजिस्टर्ड है नहीं अभी तक बट हाँ टेम्पररीली अगर आप मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो आर ओ सी आपसे मुझसे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आप ये एड्रेस पे लेटर भेज सकते हो दैट एड्रेस प्रूफ आई हैव टू सबमिट ठीक है नेक्स्ट मैम और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एवरी मेंबर्स का एवरी डायरेक्टर्स का मुझे आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है आइडेंटिटी पैन कार्ड आधार कार्ड रेसिडेंशियल प्रूफ ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट नेशनैलिटी प्रूफ डोमिसाइल मतलब नेशनालिटी एज ए वॉट इज़ नेशनॉलिटी आई एम एन इंडियन या फिर आई एम फॉरिनर आई एम एन एन आर आई ये सब बातें बताते हुए मुझे नेशनॉलिटी प्रूफ देना पड़ता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना पड़ता है समझ गए तो टोटली totally हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मुलेट करके देने होते हैं अंडरस्टैंडिंग सो यूर बाय दिस फाइव पॉइंट व्यू आर कम्पलीटिंग द फर्स्ट पार्ट डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने जस्ट जॉर डाउन द टॉपिक विच आर गिवेन बिहाइंड एंड देन वील स्टार्ट द प्रोसीजर ओके कि मैम ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार हो चुके सबमिट कैसे करने हैं वॉट इज द प्रोसीजर ऑफ इनकॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग जस्ट जॉर डाउन द टेक्सट नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंटेशन कि हमें कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है नेक्स्ट पार्ट जैसे हमने डिस्कस किया था द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ प्रोसीजर नाउ वॉट आर द स्टेप्स दैट हाउ कैन आई रजिस्टर माई कंपनी हाउ कैन आई इनकॉपरेट माई कंपनी तो फर्स्ट पॉइंट लॉ हमें क्या कहता है कि मैम अगर आपको आपकी कंपनी इनकॉपरेट करनी है ना अगर आपको आपकी कंपनी इनकोपरेट करनी है देन द पर्पस्ट मस्ट बी लॉफुल व्हाट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस पर्पस मीन्स ऑब्जेक्ट पर्पस मीन्स वर्क पर्पस मीन्स द ट्रांजेक्शन जहाँ पे हम मेनली डील करने वाले हैं द पर्पस फॉर इनकॉपरेटिंग अ कंपनी मस्ट बी लीगल मस्ट बी लॉफुल मैम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कुछ तो ऐसे पढ़ा था विच वॉज डीलिंग विथ लीगल ऑब्जेक्ट लीगल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट लॉफुल पर्पज मैम आपको मुझे हम ये दस जने कंपनी इनकॉपरेट करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम ओपियम हेरोइन गांजा, इन सब का भी ट्रेडिंग करें आपके मन में ऐसी इच्छा है मेरे मन में तो है नहीं है आपके मन में ऐसी इच्छा है कि मैम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर के साथ साथ हम ये काम भी करते हैं बोलो आर के पास गए और हमने बोला कि देखो मेन ऑब्जेक्ट तो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर बट सप्लीमेंट्री एंड सेलरी ऑब्जेक्ट में हमको ये भी करना है कि वी ट्रेड इन ओपियम हेरोइन गांजा एंड वॉट नॉट ठीक है ये इंटेंशन है आर ओ सी हमें क्या कहेगा ओके मैडम इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट दिया आप आपका काम शुरू कर सकते हो ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा बिल्कुल नहीं दैट मीन्स आर ओ सी विल टेल मी कि मैम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्कर इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट इज अ लीगल ऑब्जेक्ट ऐसे काम करने के लिए कंपनी इनकॉपरेट कर सकते हो बट इफ द पॉपर्स इज नॉट लॉफुल वी कैन नॉट इनकॉपरेट अ कंपनी अंडरस्टैंडिंग सो द फर्स्ट स्टेज द फर्स्ट स्टेप इट इट सेज इज द पर्प मस्ट बी लीगल इट मस्ट बी लॉफुल अंडरस्टैंडिंग सेकेंडली इट सेज कि मैम आपको जब भी कंपनी इनकॉपरेट करनी है ना तो प्लीज स्पेसिफाई के कौन से नाम से कंपनी इनकॉपरेट करनी है मैंने अब तक नाम तो डिसाइड किया नहीं बट फॉर कंपनी हैविंग अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी यू हैव योर नेम आपका जो भी नाम है यू हैव योर नेम आई हैव माई नेम खुशबू सांगवी आई हैव माई नेम दैट इज द नेम इज रिप्रेजेंटिंग मी द नेम इज रिप्रेजेंटिंग मी वैसे ही कि अगर हम कंपनी का जन्म करवा रहे हैं दैट मीन्स वी आर फॉर्मिंग अ कंपनी कंपनी शुड ऑल्सो प्रजेस अ नेम कंपनी शुड ऑल्सो प्रजेस अ नेम तो द नेक्स्ट स्टेप्स इज कि मैम अगर आपने ठानी लिया कि कंपनी इनकॉपरेट करनी है इट इज एज गुड एज कंपनी का जन्म हो रहा है जन्म हो रहा है तो नामकरण भी बनता है तो नेक्स्ट स्टेप से कि नाव वी हैव टू स्पेसिफाई कि हमें हमारी कंपनी को नाम क्या देना है ठीक है तो लॉ इज कि मैम आप आर ओ सी के पास जाओ मिनिमम तीन नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस स्पेसिफाई करके आओ मैंने कहा वाई थ्री मुझे तो एक ही नाम रखना है के एस नाव आई एम आई एम स्टर मुझे यही नाम चाहिए मैं एक ही नाम प्रेफर करूँगी तो लॉ सेज मैम ऐसा मत करो क्यों बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट अ नेम के एस ठीक है के एस कंपनी के नाम से कंपनी ओपन करनी है बट ये नाम ऑलरेडी हो सकता है किसी ने ले लिया हो किसी ने यही नाम से कंपनी रजिस्टर कर ली हो हो सकता है खुराना ऐसे करके कुछ किसी ने के एस कर दिया हो ना फॉर मी इट इज़ खुशबू संग फॉर सम अदर पीपल मे बी के एस वर्ड्स यूज कर लिए हो नाम यूज़ कर लिया हैंस उन्होंने हमें क्या कहा है कि मैम जस्ट स्पेसिफाई थ्री नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के ये होगा तो चलेगा ये हुआ तो बेस्ट यही नाम चाहिए अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा नाम चलेगा ठीक है थ्री नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ़ प्रेफरेंस नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आता है इट से के नाउ दिस इज़ अ पॉइंट कि एक बार मुझे नाम स्पेसिफाई हो गया मैंने आर के पास गई और आर ओ को बोला सर मुझे ये नाम से कंपनी एन करनी है अप्रूवल आ गया मीन्स आई रिसीव अटर स्टेटिंग के ओके मैम दिस नेम इज अवेलेबल यू कैन इन कॉपरेट अ कंपनी अंडर दिस नेम ना दैट आफ्टर रिसीविंग दैट अप्रूवल नेक्स्ट स्टेप इज मैं मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म किए थे इसके पहले वाले स्टेप में बता बात की थी हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आर ओसी के पास फाइल कर दूंगी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है हमने क्या पढ़ा पर्पस मस्ट बी लॉफुल नेक्स्टली हमने क्या पढ़ा नेम को रजिस्टर करना है नेक्स्ट लिए हमने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें क्या कह रहा कहा जा रहा है नेक्स्ट हमें ये कह रहे हैं कि एम ओ ए जो फॉर्म जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया ना उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइबिंग सिग्नेचर साइन करना पड़ेगा कि हाँ ये जो एम ओ ए हमने फ्रेम किया है सारे मेंबर्स ने उसको देखा हुआ है एंड साइन किया हुआ है मीन्स दे हैव गिवेन दे आर अप्रूवल दे हैव दे आर कंसेंट समझ में आ रहा है नव द नेक्स्ट स्टेप इज उनका सब्सक्रिप्शन करेंगे ओके okay? ये सारा स्टेप होने के बाद आर ओ सी क्या कहेगा आर ओ सी कहेगा मुबारक हो आपकी कंपनी इनकॉपरेट हुई नव दिस मुबारक कंपनी इनकॉपरेट हुई इसके लिए हमें आर ओ सी क्या देने वाला है इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट क्या देगा हमें कंपनी आर ओसी इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट समझ में आ रहा है श्योर आफ्टर रिसीविंग दिस इन कॉपरेशन सर्टिफिकेट मीन्स द इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस मीन्स द सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी थी वो हमने कर ली है समझ में आ रहा है पक्का श्योर पक्का श्योर ज़रा रिपीट किया जाए पर्पस नेम डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन ये हो जाने के बाद आई एल से कि माई कंपनी इज नाउ इनकॉपरेटेड नाव पीपल पे अटेंशन प्लीज जिन्होंने ये एक्ट पहले पढ़ लिया है तो यहाँ पे और एक क्लॉज था दैट इज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ठीक है वहाँ पे हमने बात किया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल का आ जाने के बाद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है आर के पास से पीपल प्लीज नोट दैट इट इज अमेंडेड एंड इट इज रिमूव्ड दैट मीन्स कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को क्वेश्चन पूछना है मैम ऐसा क्यों आ रहा है ऐसे क्वेश्चन दिमाग में मैम ऐसा क्यों समझो हमने जब भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के बारे में बात की थी तभी मैंने बताया था कि अमेंडमेंट आया है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी प्राइवेट कंपनी के लिए वन लाख पब्लिक कंपनी के लिए फाइव लाख ऐसा कुछ था आई दैट टाइम क्लियर दैट पार्ट कि वो पार्ट अमेंड हो चुका है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब नहीं है समझ में आ रहा दैट मीन्स ये जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इनकॉपरेशन के बाद जो इशू होगा उसके बाद जो हमें कमिन्समेंट सर्टिफिकेट मिलने वाला है इसकी भी तो ज़रूरत नहीं है समझ में आ रहा है लिंक बैठ रहा है क्या कर रहे थे हम कंपनी इनकॉपरेशन के बाद शेयर्स इशू करते थे कंपनी इनकॉपरेशन के बाद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे उसके बाद हमें आर के पास से मिलता था कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ठीक है फॉर्मैलिटीज़ इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अब ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रही ही नहीं तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी भैया दैट पार्ट इज इज समझ में आ रहा है दैट रेस्ट्रिक्टेड जिन्होंने ये पहले पार्ट पढ़ रखा है उनके लिए है जो लोग नया नया पढ़ रहे प्लीज डोंट कन्फ्यूज ये इतना पढ़ो कि आपको इनको सर्टिफिकेट आर के पास से लेना है समझ में आ रहा है पक्का श्योर श्योर पक्का आगे बढ़ें ओके ना दिस वॉज अ फर्स्ट पार्ट दिस वॉज अ मैन्युअल प्रोसीजर जहाँ पे मुझे आर ओ सी के पास से फाइलिंग करना है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है फॉर्म फिल करके देना है नेम के लिए रजिस्टर करना है एंड